और वैश्विक स्तर पर विधवा महिलाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों के निवारण, उनके अधिकार और कल्याण के लिए हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के मौके पर भारतीय रेल के साथ लुम्बा फाउंडेशन ने विधवाओं के लिए एक मानवीय संवेदनाओं की शानदार पहल की है। क्या है ये पहल, देखिए हमारे संवाददाता ओपी यादव की खास रिपोर्ट। दुनिया भर में हर साल 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। विधवाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त व मजबूत बनाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के साथ लुम्बा फाउंडेशन ने लंदन में एक MOU पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत IRCTC ने नीलामी के लिए 2 डीलक्स ट्विन शेयरिंग केबिन के टिकटों की पेशकश की। IRCTC के पर्यटन व विपणन निदेशक राहुल हिमालयन ने कहा कि नीलामी से प्राप्त धनराशि का उपयोग भारत में विधवाओं के सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा। हम लोग के यहाँ पे बहुत सारी फीमेल एम्प्लॉयज रहती हैं, ट्रेन में भी जो रहती हैं हम इम्पोर्टेंस देते हैं, और विडोज के लिए जैसे हमने कहा हम टूरिज्म के अंदर फ्रॉम मासेस टू क्लासेस जाते हैं, तो आज हमने लुम्बा फाउंडेशन के साथ जुड़ के मतलब अपनी जो महाराजा एक्सप्रेस वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड है उसमें जो ऑक्शन हम कर रहे हैं आज लंदन में लॉर्ड राज लुम्बा के प्रेजेंस में, उसमें जो प्रोसीड्स होंगे वो भारत विडो एम्पावरमेंट फंड के लिए जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेने आए रोटरी गवर्नर दिल्ली NCR जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि लॉर्ड राज लुम्बा ने विधवाओं के कल्याण के लिए जो मुहिम चला रखी है वो काबिले तारीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी सहित UP में 5,000 विधवाओं के लिए काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी को चुना गया कि जहां पर 5,000 जो गरीब वर्ग से जो विडोज हैं विधवाएं हैं उनकी ज़िंदगी को बदला जा सके, इस मिशन के साथ इसको किया गया था। लगभग 20 साल की एक प्रयास के बाद वो इस काम में सफल हुए कि यूनाइटेड नेशंस ने एक वर्ल्ड विडो डे जो कि 23 जून का डिक्लेयर किया। इस दौरान लुम्बा फाउंडेशन के ट्रस्टी अमित चौधरी ने कहा कि बीते 25 साल से लॉर्ड राज लुम्बा विधवाओं के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी और जम्मू में 10,000 विधवा माता बहनों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम किया जा रहा है। लुम्बा फाउंडेशन पिछले 25 साल से विडोज के लिए काम कर रही है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। हमने वाराणसी में यूपी में 5,000 विडोज के लिए एम्पावरमेंट फंड कर रहे हैं। अब अगला 5,000 हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ऐसे हम करते ही जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के विषय पर मीडिया से बात करते हुए ब्लिट्स इंडिया के चेयरमैन दीपक द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को विधवाओं के कल्याण से संबंधित सामाजिक सरोकारों से जोड़ने में मदद मिलेगी। देखिए विडोज के एम्पावरमेंट, उनकी तरक्की के लिए देश में ही नहीं दुनिया में लॉर्ड लुम्बा जी ने एक ऐतिहासिक काम किया है, और वो इसको मोटिवेट कर रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है वो इस काम से जुड़े हैं। विधवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे संगठनों ने भी लॉर्ड राज लुम्बा के कार्यों की सराहना की। ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में अगर देखा जाए, बिकॉज ये जो विधवाएं हैं या उनके कोई अगर बच्चे भी हैं जो जिनके घर में कुछ कमाने का कोई साधन नहीं है, अगर उनको कोई हुनर नहीं दिया जाएगा वो खुद नहीं कमा पाएंगे तो वो कैसे जी पाएंगे। लुम्बा फाउंडेशन इसी चीज़ में काम कर रही है। हम जानते हैं कि मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि इन महिलाओं की जीवन को बेहतर बनाया जाए। लुम्बा फाउंडेशन इस संबंध में काफ़ी कुछ कर रहा है और हम ट्राई फॉर आइडियाज़ में लुम्बा फाउंडेशन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में सपोर्ट कर रहे हैं। गौरतलब है कि ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी भारतीय और ब्रिटेन की संसद के सदस्य लॉर्ड राज लुम्बा के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 दिसंबर 2010 को विधवाओं और उनके बच्चों के समर्थन में नामक प्रस्ताव पारित करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की घोषणा की गई थी। तब से लेकर हर साल 23 जून को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को मनाया जा रहा है। भारत में 46 मिलियन से अधिक विधवा माता बहने हैं। समाज में हाशिए की जिंदगी जी रही इन्हीं माता बहनों के कल्याण और विकास के लिए एक ओर जहां भारत सरकार लगातार काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर लुम्बा फाउंडेशन जैसी संस्थाएं भी इन महिलाओं का सम्मान और स्वाभिमान लौटाने के लिए, उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चला रही है। मेरे सगी कैमरामैन शिवम सुमन के साथ मैं OP यादव, DD News दिल्ली।